सो हेलो एवरीवन यार, आज की वीडियो में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो होने वाली है यार, हाउ टू मेक मेडिकल एंड एफिडेविट्स फॉर कॉलेज एडमिशन। तो यार, अगर तुम कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, फिर चाहे वो पंतनगर हो, पौड़ी हो या कोई भी अन्य कॉलेज हो, ठीक है, जितने भी कॉलेजेस होते हैं यार, हर कॉलेज में एडमिशन के लिए मेडिकल और एफिडेविट्स ज़रूरी होते हैं। तो कई बच्चे यार जब ये देखते हैं कि मेडिकल और एफिडेविट बनाने हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे बनाना है। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें क्लियर करूँगा कि मेडिकल और एफिडेविट कैसे बनते हैं, पूरा डिटेल स्टेप बताऊँगा। मैंने पर्सनली बना रखे हैं और अभी भी यार जिन लोगों के मैंने एडमिशन कराए थे, ठीक है, उन्होंने भी मुझे बताया कि क्या प्रोसेस रहती है, ठीक है। तो यार इस वीडियो में तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अगर तुम्हें मेडिकल और एफिडेविट बनाने हैं तो वो कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यार मेडिकल की। तो मेडिकल यार एक ऐसा पर्चा होता है, ठीक है, एक पेज का होता है, यहाँ पे तुम्हें फॉर्मेट दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। इसमें क्या होता है यार, तुम्हारी बेसिक जो मेडिकल डिटेल्स होती है वो बनती हैं, सरकारी हॉस्पिटल से साइन होती हैं और यार तुम्हारी कॉलेज में सबमिट होती हैं, ठीक है। तो ये एक यार फॉर्मल प्रोसेस समझ लो, ठीक है। तो ये हमें करनी होती है। तो इसे करते कैसे हैं, तो ये जो पर्चा दिख रहा है यार, ये तुम डाउनलोड कर सकते हो या तुम बेस हॉस्पिटल जाओगे या सरकारी हॉस्पिटल जाओगे तो वो तुम्हें बता भी देंगे। तो इस पर्चे को लेकर तुम्हें जाना होता है, सुबह सुबह जाना, किसी भी सरकारी हॉस्पिटल जाना, जनरली सरकारी हॉस्पिटल का ही मान्य होता है, ठीक है। वहाँ पर तुम्हारी 28 रुपये की यार पर्ची कटेगी। उसके बाद यार वो तुम्हें अलग अलग कमरों में भेजेंगे, जैसे तुम यहाँ पे देख सकते हो ना, बहुत सारे बने हुए हैं। तो यार बहुत सारे बने हुए हैं तो उन कमरों में भेजेगी कि यहाँ यहाँ जाना और अपना चेकअप कराना। वहाँ तुम चेकअप कराओगे, तुम्हारा वो यस नो करेंगे। लास्ट में यार उसमें एक फाइनल साइन होता है, ठीक है, और वो फाइनल साइन लेके तुम वो मेडिकल पर्चा लेके आ जाओगे अपने घर पर और फिर उसे सबमिट करोगे कॉलेज पर, ठीक है। काफ़ी सिंपल चीज़ थी मेडिकल। अब यार दूसरी चीज़, एफिडेविट्स। तो एफिडेविट्स में बहुत सारे होते हैं तो इंसान ना पहले तो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि जब मैंने अपनी डॉक्यूमेंट लिस्ट देखी थी तो उसमें लिखे थे यार एफिडेविट फॉर एंटी रैगिंग, एंटी अल्कोहल, एंटी ड्रग गैप। तो यार मैं कंफ्यूज हो गया यार, ये किन किन चीज़ों की बात हो रही है, ठीक है। तो यार तुम लोग भी हो गए होगे, ठीक है, लेकिन काफ़ी ईजी चीज़ें रहती हैं, ये हर बच्चा बनाता है तो बहुत ईजी चीज़ रहती है। कहीं जाओगे भी तो तुम्हें वो ऐसी दिक्कत नहीं होगी कि वो तुमसे पूछेंगे नहीं कि भैया क्या है ये चीज़, मुझे एक्सप्लेन करो, उनको भी आइडिया होता है। तो पहले तो मैं बता दूँ ये बनती कहाँ है, ये बनती है तहसील में, ठीक है। तो तुम तहसील जाओगे, शायद तुम्हें यार कॉलेज वालों ने फॉर्मेट दे भी रखा हो, ठीक है, कुछ कॉलेजेस देते भी, नहीं भी दिया है तो भी तुम जा सकते हो, वो तुम्हें फॉर्मेट दे देंगे क्योंकि उनके पास पहले से होता है। तो तुम जाओगे, ठीक है, वहां पे तुम जाओगे तहसील के अंदर, वहां पे यार दुकान टाइप की होती है, ठीक है, वहां पे लोग बैठे होते हैं तो अराउंड 250 रुपये वो लोग चार्ज करते हैं एफिडेविट्स के लिए। तो तुम उन्हें बताओगे कि यार हमें एंटी रैगिंग का एफिडेविट बनाना है 10 रुपये की पर्ची में, ठीक है, वो सब वो बना के देंगे तुम्हें, ठीक है। और एंटी अल्कोहल, एंटी ड्रग, मतलब एफिडेविट होता ये कि यार ये सारी चीज़ों में तुम आगे चल के नहीं आओगे, ठीक है, आओगे तो उसके लिए खुद जिम्मेदार होगे, ठीक है। इस टाइप के एफिडेविट्स बनते हैं, ठीक है। तो यार इस टाइप के बनते हैं, वो तुम्हें बनवाने होते हैं। तो एंटी रैगिंग, एंटी ड्रग, एंटी अल्कोहल और गैप, यानी कि अगर तुमने ड्रॉप लिया यार, तुमने ड्रॉप एजुकेशन के लिए लिया है तो उसका भी बनता है कि तुमने एक साल ड्रॉप लिया तो थे कहाँ तुम, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें बनती है यार, फॉर्मेलिटी होती है, तहसील में बनती है। 250 रुपये से 500 रुपये तक तुम्हारा इसमें खर्चा आ सकता है और ये भी एक सिंपल प्रोसेस रहती है। तो यार दोनों चीज़ें मैंने आई होप तुम्हें एक्सप्लेन कर दी होंगी और तुम्हें यार ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी यार बाकी चीज़ें बहुत सिंपल होती हैं, कहीं कहीं डिमांड ड्राफ्ट बनता है फीस के लिए तो वो भी बैंक से बन जाता है, ठीक है। और बाकी चीज़ें तो यार सिंपल होती हैं, आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट, वो तो तुम्हें पता ही होगा। मेन जो दो चीज़ थी यार वो थी यार मेडिकल, जो कि तुम्हारे सरकारी अस्पताल से बनता है, एफिडेविट्स जो कि तुम्हारे तहसील से बनते हैं, जो कि मैंने इस वीडियो में तुम्हारे क्लियर कर दिए हैं। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। Microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat.